फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रेया। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वन, थ्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, चैप्टर वन का ये हमारा पार्ट वन होने वाला है और आपको आज हम इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने प्रैक्टिस बुक का चैप्टर वन टेंस के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स, आप इंग्लिश 8th क्लास की प्लेलिस्ट में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें इन तीनों ऑप्शंस में से क्वेश्चन के अनुसार जो सही आंसर है उस पर टिक करना है। तो द किंग रीच्ड हर्मिट सेल, तो इसमें पूछा गया है जो किंग था वो हर्मिट के सेल के पास कैसे पहुंचा था। ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक, इन अ चैरिट। तो ऑन फुट, वो अपने पैरों से हर्मिट के सेल में गया था। फर्स्ट वन करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं, व्हेन द किंग अप्रोच द हर्मिट द लेटर वाज प्लांटिंग ट्रीज, स्नोइंग सीड्स, डिगिंग अर्थ। तो डिगिंग अर्थ, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो किंग था वो उसने जब उसको उससे वो पूछ रहा था, उसका अप्रोच कर रहा था, तब वो हर्मिट क्या कर रहा था, जो दूसरा था लेटर मतलब जो दूसरा वन था सेकंड वन, वो क्या कर रहा था। तो वो डिगिंग अर्थ, वो गड्ढा खन रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, द मैन हु कम रनिंग फ्रॉम द वुड्स हैड अ वाउंड इज इन। तो हिज हैंड्स, हिज स्टमक, हिज हेड। तो हिज स्टमक। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, द किंग ड्रेस्ड द बियर्ड मैन वाउंड्स विथ द हर्मिट्स हैंकरचीफ, हिज टावल, हिज हैंकरचीफ एंड द हर्मिट्स टावल। तो थर्ड वन करेक्ट है, उस पर टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर ड्रेसिंग द बियर्ड मैन वंडेड द किंग स्लिप्ड इन द हर्मिट्स बेड ऑन द देयर स्टोन ऑफ द हर्मिट सेल इन द वुड आउटसाइड द हर्मिट सेल्स। तो फर्स्ट सेकेंड वन जो है वो करेक्ट है, ऑन द थ्रेश होल्ड ऑफ द हर्मिट सेल्स, सर्फेंट सेल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। सबका आंसर हमें जो चार दिए गए उन सबका आंसर देना है, वो भी 30 वर्ड्स में। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वेयर द थ्री क्वेश्चन द अकर्ड टू द किंग। तो इसका आंसर होगा, द थ्री क्वेश्चन दैट अकर्ड टू द किंग वर, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू एनी वर्क, हु वेयर द राइट पीपल टू लिसन एंड हुम टू अवॉइड। थर्ड वन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डू टू डू। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिस ये है इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड द किंग गो टू द वाइस हर्मिट, व्हाई डिड ही गो देयर अलोन एंड ड्रेस्ड वंडर्ड लाइक अ कॉमन मैन। फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि जो किंग था वो हर्मिट के पास क्यों गया था और उसने आम वेशभूषा क्यों बनाया था अपना। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कॉमन मैन इसलिए बोला था क्योंकि ये जो यहाँ कॉमनर लिखा है वो हमें इसलिए कॉमन मैन को ही दिखाने के लिए लिखा गया है, इसलिए मैंने बोला था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, द किंग वेंट टू द वाइस हर्मिट टू गेट द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस, द हर्मिट मेट ओनली कॉमन पीपल सो द किंग हैड टू ड्रेस हिमसेल्फ एज अ कॉमनर एंड वेंट टू ही मीट हिम। फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि वो जो किंग था वो हर्मिट के पास इसलिए गया था क्योंकि उसको अपने तीनों क्वेश्चन का आंसर पता करना था और उसने ऐसा अपने आप को एक कॉमन इंसान की तरह इसलिए बनाया था क्योंकि जो हर्मिट था वो सिर्फ आम आदमियों से ही मिलता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, हु वॉज द बियर्ड मैन हु कम रनिंग फ्रॉम द वुड्स हु हैड ही गॉट वंडर्ड। तो इसका आंसर होगा, ही वॉन्ट टू टेक हिज रिवेंज
फ्रॉम द किंग हु हैड हैंग्ड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी द किंग डिलेड इन द हर्मिटेज द मैन कम आउट फ्रॉम एम्बश ही वॉज recognized by the king's bodyguard who wondered him very broadly. Friends, इसमें बोला गया है जो ये जो इसमें हमें क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा था कि वो जो आदमी था वो कौन था और वो क्यों भागा भागा आ रहा था, उसके पेट में उसको wondered मतलब उसको चोट कैसे लगी थी. तो जो वो आदमी था वो राजा से रिवेंज लेने आया था, बदला लेने आया था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को हैंग मतलब उसको टांग दिया था, मार दिया था, फांसी पर चढ़वा दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी. और जब वो आने वाला था उसको पता था कि वो उस हर्मिट के पास आने वाला है, इसलिए वो छुपा हुआ था बुशेस झाड़ियों के पीछे. लेकिन जब हर्मिट किंग था वो नहीं आया, तब वो बाहर आया और उसके जो बॉडीगार्ड्स थे किंग के, उन्होंने उस जो आदमी था जो बदला लेने आया था उसको देखा और उसको उसके पेट में चाकू घुसा दिया था. इसी वजह से उसको इतनी ज़्यादा चोट लगी थी और वही वो आदमी था और उसको उसी वजह से चोट लगी थी. तो इस यही हमें से पूछा गया था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, वो है हाउ डिड डिगिंग ऑफ बेड फ्रॉम द हर्मिट सेव द किंग लाइफ. इसमें पूछा है कि वो गड्ढा खोदना, बेड बनाना जमीन के अंदर, वो जो राजा था उसकी लाइफ को कैसे बचाया. तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसकी हमने हिंदी जानी और उसके बाद हम इसकी आंसर की भी हिंदी जान लेते हैं. इसमें हमें बताया गया है कि जो राजा था उसकी जान इस तरह बची थी क्योंकि वो बेड बनाने में वो गड्ढा खोद रहा था, जिसकी वजह से वो जो दूसरा आदमी था बियर्ड मैन था जो उसे बदला लेने आया था वो बाहर आया और उसके बॉडीगार्ड्स ने उसको मार दिया था, इसी वजह से उसकी लाइफ बची थी. अब देखते हैं इसको इंग्लिश में. इंग्लिश में है अनडाउटेबली द डिगिंग ऑफ बेड फ्रॉम द हर्मिट सेव द किंग लाइफ इफ द किंग हैड नॉट डिग द बेड फॉर द हर्मिट एंड रिटर्न टू हिज प्लेस्ड द एनिमी वुड हैव किल्ड द किंग. तो ये हो जाएगा आंसर. अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा हॉट्स. तो हॉट्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे हमारे हॉट्स में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो इसको भी कर लेते हैं. इस में पूछा गया है हमसे ब्रीफली एक्सप्लेन द आंसर द किंग गॉट टू हिज थ्री क्वेश्चंस मेकिंग देयर आंसर यू बेस्ड कमेंट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मूवमेंट इन आवर लाइफ. तो इसका आंसर होगा प्रेजेंट टाइम इज द इम्पॉर्टेंट टाइम, इट इज द टाइम व्हेन वी हैव सम पावर टू डू, वी आर द मास्टर ऑफ प्रेजेंट टाइम, वी मस्ट नॉट वेस्ट इट. फ्रेंड्स यहाँ पर जो है यहाँ पर आइडली लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं यहाँ पर रुक कर आपको मैंने इस वर्ड को समझाया है. आइडली आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द बेस्ट यूज ऑफ आवर प्रेजेंट टाइम, द पीपल हु आर विथ अस इन द प्रेजेंट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस एंड टू हेल्प द नियर नीडली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. फ्रेंड्स इसमें पूछा गया था कि आप अपने हिसाब से इन तीनों के आंसर मतलब बताइए और कमेंट करिए कि जो वो था टाइम वाला जो क्वेश्चन था उसमें प्रेजेंट मूवमेंट है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो वही हमारे आंसर में बताया गया है, प्रेजेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंट हम ना फ्यूचर जानते हैं और ना पास्ट को जो हो चुका है उसको ठीक कर सकते हैं, इसलिए जो प्रेजेंट है वो हमारा मेन है. और फ्रेंड्स ये जो हमारा मेन वर्क है वो है जब कोई हमसे मदद मांगे तो उसकी मदद करना हमारा मेन जॉब है, सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब है. फिर फ्रेंड्स उसके बाद आता है लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स में भी हमारा क्वेश्चन है नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस इज फार सुपीरियर टू एंड मैनी टाइम्स मोर यूजफुल दैन थियोरिटिकल नॉलेज. फ्रेंड्स इसमें बोला गया है जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है उसके बाद भी हमें यहाँ बोला जाएगा, जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है उसको डिस्कस करते हुए ये सही स्टेटमेंट है इसको बारे में बताना है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है जो नॉलेज है वो कुछ कुछ बार थियोरेटिकली वो जो होता है
वो थियोरिकली से ज़्यादा हमें प्रैक्टिकली समझ में ज़्यादा आता है, क्योंकि जैसा कि हमें इसमें दिखाया गया है, अगर वो जो हर्मिट था वो से अपने मुंह से बताता, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाता, तो उसमें टाइम भी कम लगता और वो जो आदमी था वो समझ भी नहीं पाता और वो मारा भी जाता, वो जो राजा था। तो इसी बात पे हमें यहाँ पर चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी कंप्लीट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस इज़ फार सुपीरियर टू दैट ऑफ थ्योरेटिकली नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ द मोस्ट कन्वीनियंस देन थियोरेटिकली नॉलेज। द हर्मिट कुड हैव गिव द आंसर टू द किंग क्वेश्चन, बट ही वेटेड फॉर द राइट मूवमेंट एज द इंसिडेंस टुक प्लेस विथ द बियर्ड मैन। द हर्मिट एक्सप्लेन द आंसर एंड द किंग रिटर्न सेटिस्फेक्टली। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया वही हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फ्रेंड्स, इसको लिखने के बाद आता है हमारा वैल्यूज जो है। फॉर दैट पर्पज अलोन वॉज मैन सेंड इन टू हिज लाइफ। वॉट इज द पर्पज डिस्कस द मीनिंग ऑफ फुलफिलिंग हिज पर्पज। तो इसका आंसर हो जाएगा, सर्विंग द नीडली इज द मेन कंकरेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। गॉड वॉन्ट अस टू हेल्प दोज हु आर इन ट्रबल, सो वी शुड हैव लव काइंडनेस सेटिस्फाइस एंड हेल्प एटीट्यूड टुवार्ड अदर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं सेक्रीफाइस लिखा हुआ था, जो कि मैंने गलती से सेटिस्फाइस प्रोनाउन कर दिया था, तो उसके लिए सॉरी। फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू बेस्ड का आंसर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स, ये होता है हमारा आज का पूरा वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।